नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने YouTube चैनल मोदी जायका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नूडल्स, जो कि खाने में जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे चिकन चाउमीन भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन के जो है छोटा छोटा टुकड़ा जो है काट लेते हैं चाकू से, जो है जिस साइज का चाहिए आप, लंबा में या छोटा छोटा टुकड़ा जो है काट लेंगे। बोनलेस चिकन लें, इसके लिए हड्डी वाला चिकन नहीं लें। चाकू से आराम से कट जाता है, इस प्रकार काट लेंगे। देखिए, चिकन को इस प्रकार जो है बारीक काट लिए हैं। अब इसे एक बॉल में जो है डाल देंगे और इसमें जो है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को जो है ऐड करेंगे। देखिए, इसे जो है डाल दिए हैं। स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट को भी ऐड करेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आधा चम्मच मिर्च पाउडर को भी जो है ऐड करेंगे। हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर को भी ऐड करेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस को जो है ऐड करेंगे, जो भी सोया सॉस हो आपके पास। एक चम्मच वेनेगर को भी ऐड करेंगे। इन सभी को अच्छे से जो है अब मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से जो है चिकन थोड़ा सा खाने में जो है क्रिस्पी बनेगा, टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसको जो है 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, जिससे चिकन में जो है अच्छे से जो है टेस्ट आएगा। इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है, एक कढ़ाई में तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें जो है चिकन को जो है फ्राई करेंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे ढक के इसी में पका देंगे हम जो है। इस तरीके से 1-2 बार इसको चला करके इसी में जो है इसको बॉयल हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, इसको 2-3 बार चला देंगे। चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है, देखिए बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, हमारा चिकन जो है बिल्कुल अच्छे से पक गया है। लगभग 3 लीटर पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। पानी में जो है 1 चम्मच जो है नमक को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने जो है 1/2 kg नूडल्स ले रहे हैं। और 2 छोटा चम्मच इसमें जो है तेल भी डाल देंगे, जिससे जो है नूडल्स आपस में चिपके नहीं। और इसे जो है नमक और तेल को जो है पानी में थोड़ा अच्छे से जो है मिला देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि पानी जो है ज़्यादा ही लें नूडल्स में।
ढक देते हैं जिससे जल्दी पानी गर्म हो जाए। देखिए पानी हमारा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो है नूडल्स को धीरे धीरे जो है डाल देंगे। ये अपने आप ही अंदर जाते रहेगा। सभी नूडल्स को जो है इसी प्रकार जो है हम इसमें डाल देंगे। नूडल्स को जो है अच्छे से डाल दिए हैं। अब इसे जो है 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं। देखिए हमारा नूडल्स जो है अच्छे से पक चुका है। अब इसको जो है निकाल लेते हैं। एक बर्तन में जो है जाली वाला बर्तन में निकाल लेंगे और निकालते ही इसमें जो है पानी डाल देंगे। इसमें जो है ठंडा पानी को जो है डाल देंगे जिससे ओवर कुक ना हो। देखिए इसमें जो है ठंडा पानी डाल दिए हैं कि ओवर कुक नहीं हो। अब इसे निकाल लेंगे। पानी से निकाल लिए हैं। अब इसको एक बर्तन में रख करके इसमें थोड़ा सा जो है सरसों का तेल ऐड करेंगे। दो चम्मच जो है सरसों का तेल या कोई भी तेल ऐड करेंगे और इसको जो है अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। इससे जो है आपस में चिपकेगा नहीं, नूडल्स जो है खिला खिला रहेगा। एक कढ़ाई को रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब कढ़ाई में हम जो है प्याज को ऐड करते हैं, फ्राई करते हैं प्याज को। प्याज और लंबे कटे हुए अदरक, हरी मिर्च और लंबा लहसुन है, इन सभी को जो है फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है हमको। जब भी नूडल्स बनाएं तो गैस के फ्लेम को फुल ही रखें और कोशिश करें कि नॉनस्टिक में नहीं बना के मेटल का या फिर एल्युमिनियम का कढ़ाई यूज करें। गाजर को ऐड करेंगे और पत्ता गोभी और एक छोटा शिमला मिर्च है, इसको भी ऐड करेंगे और इन सभी को जो है पकाएंगे हम। कोई और सब्जी डालना चाहे तो आप उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन जनरली गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ही ऐड करते हैं। नूडल्स को ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल खिला खिला हमारा नूडल्स है। जितना नूडल्स डालना चाहते हैं आप, और नूडल्स को आप जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं, जीप वाले पन्नी में पैक करके जब आपको खाने का मन हो तब पका के खा सकते हैं बना करके। स्वाद अनुसार नमक को जो है ऐड करेंगे। वेनेगर, 1 चम्मच वेनेगर को जो है ऐड करेंगे। एक चम्मच सोया सॉस को जो है ऐड करेंगे। जो भी सोया सॉस हो वो सोया सॉस जो है ऐड कर दें। और 1 चम्मच चिली सॉस को ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए नूडल्स हमारा जो है बिल्कुल खिला खिला जो है बिल्कुल अच्छा जो है तैयार हुआ है। अब हम इसमें जो है चिकन को जो है ऐड कर देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
अच्छे से पक गया है हमारा चिकन। चिकन के साथ जो है नूडल्स भी बहुत अच्छा जो है खिला खिला है। अब हम इसको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नूडल्स, चिकन नूडल्स जो है बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल खिला हुआ जो है, एक एक जो है अच्छे से जो है निखर के आया हुआ है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। इसे आप जो है शाम में जो है आराम से खा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के बेल के आइकन को भी दबा दें, जिससे हम लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लेके आ सकें। धन्यवाद।